करनाल के टैगोर बाल निकेतन स्कूल के छात्रों ने सीबीएसई द्वारा घोषित 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में शानदार प्रदर्शन किया है। स्कूल के प्रिंसिपल राजन लांभा ने बच्चों का मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करवाया है, साथ ही उनके अभिभावकों को शुभकामनाएं देते हुए बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। उन्होंने बताया कि स्कूल के 24 बच्चों ने 85% से ऊपर अंक प्राप्त कर मेरिट में स्थान प्राप्त किया है, वहीं 10 बच्चे 90% से ऊपर अंक लेकर पास हुए हैं। जो बच्चे टॉप पर आए हैं स्कूल में, उनमें से 96.95 से ऊपर अंक लेकर अव्वल स्थान प्राप्त किया है। बच्चों ने इस अवसर पर अपने परीक्षा के दिनों के विचार साझा किए, भविष्य की योजनाओं के बारे में भी मीडिया को जानकारी दी। यहाँ हम आपको बता दें कि टैगोर बाल निकेतन स्कूल बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए हमेशा अग्रणी रहता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बच्चों द्वारा अच्छे अंक प्राप्त कर स्कूल के गौरव को बढ़ा रहे हैं। वहीं प्रिंसिपल राजन लांभा ने सभी शिक्षकों एवं अभिभावकों का छात्रों द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धि पर आभार व्यक्त किया एवं बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। देखिए करनाल से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। सीबीएसई का धन्यवाद कि बड़े टाइमली इन सर्कमस्टेंसेस में रिजल्ट दिया है, और उससे ज़्यादा खुशी की बात है कि हमारे बच्चे, सबसे ज़्यादा खुशी की बात है अर्णव ने स्कूल टॉप की है, और ये स्कूल का सबसे चुप रहने वाला बच्चा है, और इसने मैथमेटिक्स में 100 मार्क्स लिए हैं, और मैं कहूँ कि ये बहुत आगे तरक्की करेगा। इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बच्चियाँ सारी आ जाओ, आप भी बेटे, ये सारे बच्चे टॉपर हैं, और स्कूल के 24 बच्चा अब 85 आया है, 10 बच्चा अब 90 आया है, तो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन है 96.2, 96.4, 95. तो ये 95 से ऊपर के ही 1, 2, 3 बच्चे हैं। तो स्कूल टैगोर बाल निकेतन टीचर स्टाफ और मैनेजमेंट की तरफ से बच्चों और उनके पेरेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कितने परसेंट मिले? 96.2। तो क्या कुछ कहना चाहोगे अपने मेहनत को लेकर? मैंने ज़्यादा की नहीं, बस थोड़ा पहले छिड़का, थोड़ा खेला, थोड़ा पढ़ा, पर जब भी पढ़ो दिल से पढ़ो, थोड़ा मन लगा के पढ़ो। तो क्या कुछ क्या होगा, कैसा महसूस हो रहा है अपने मन? बहुत प्राउड महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि टॉप किया। मेरे मतलब इतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि इतने परसेंटेज आ जाएंगे। तो आगे क्या करोगे, आगे क्या कुछ करना है? कौन सी आपने उसमें लेनी है, कॉमर्स लेनी है, अकाउंट्स लेनी है? मैंने कॉमर्स लिया है, मुझे MBA फाइनेंस करना है। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, वी आर फीलिंग रियली प्राउड एंड ब्लेस्ड। एंड अर्णव ने ट्यूशन के बिना अपने टीचर्स पे ट्रस्ट करके और मेहनत करके ये अचीव किया है, तो हम होप करते हैं आगे भी टीचर्स ऐसे गाइड करते रहे एंड बच्चा अच्छा परफॉर्म करता रहे विद ब्लेसिंग्स। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीतांजलि गुप्ता है। मन्ना, तो क्या कुछ कहोगे, आपके नंबर अच्छे आए हैं, किस तरह से मेहनत आपने की? चाहूंगी कि सब बच्चे मेहनत करें, अगर मेहनत करोगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। खेलो भी, पढ़ो भी, सब बैलेंस करो, अगर अपना फ्यूचर भी तभी बनेगा, खेलने से भी फ्यूचर बनता है, पढ़ने से भी फ्यूचर बनता है। एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट इन लाइफ, बस फोकस, कंसंट्रेशन, डेडिकेशन। तो कितना प्राउड फील कर रहे हो अपने माता पिता को लेकर और अपने स्कूल टीचर्स को लेकर? प्राउड फीलिंग तो है ही कि मतलब एक ये था, मुझे कुछ मार्क्स लाने हैं तो आए हैं, अगर हार्डवर्क किया तो उसका रिजल्ट मिला है, तो प्राउड फीलिंग। तो आगे क्या कुछ करना चाहते हो भविष्य में? आई वॉन्ट टू बिकम अ पायलट। निधि, क्या कुछ कहना चाहोगे, आपके अच्छे नंबर आए हैं, कितने परसेंटेज नंबर आए हैं? आप में 94.3 आए हैं। बस यही कहना चाहूँगी कि पढ़ो, समझो, याद करने से कुछ नहीं, आप समझ के चलोगे तो पेपर हो जाएगा जी। और बस मेहनत करो, सब कुछ जाता है। तो आपने किस तरह से मेहनत की है अपने पर डे को लेकर के? चार्ट बनाया हुआ था, टाइम टेबल बनाई हुई थी? टाइम टेबल बनाया, और होमवर्क हर रोज़ करो तभी बैलेंस बना रहता है, वरना लास्ट टाइम पर बहुत बर्डन आता है, हमको हो नहीं पाएगा लास्ट में, तो डेली अपना करते जाओ, बस तभी हो जाता है। तो स्टडी को लेकर कितना कॉन्सेंट्रेट किया आपने, स्टडी पर ज़्यादा ध्यान रखती थी या? नहीं, बैलेंस किया है, ऐसी बात नहीं है, स्टडी नहीं किया, खेल स्पोर्ट्स में भी थे, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी पार्ट किया है, और हर एक्टिविटीज़ में, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्ट लिया है, तो ये नहीं है कि सिर्फ स्टडीज बट हर चीज़ में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दो। जैस्मिन, तो कितने परसेंटेज नंबर आए? 91.8। कौन से सब्जेक्ट में सबसे आएगा इसका नंबर आया? हिंदी में। कितने परसेंट? 97। तो क्या कुछ कहना चाहोगे, कितना प्राउड फील आप कर रहे हैं? बस अभी मैं वैसे इतनी खुश नहीं थी अपने रिजल्ट से, पहले ये था कि कितने कम आए,
मतलब होता ही है ऐसा। तो आपने क्या एक्सपेक्ट करते, इससे ज़्यादा आने चाहिए? इससे ज़्यादा ही आने चाहिए थे। मैं 93.4 पे सोच रही थी, मेरा मतलब हौसला टूट गया था घर पे। पर जब यहाँ से कॉल आया, मैं बता नहीं सकती क्या फील कर रही थी। और यहाँ इतनी डरी हुई थी, पता नहीं मेरा कोई रैंक भी है, 5th रैंक है, कोई बात नहीं आगे। और मैंने आगे 24-17 कितने परसेंटेज में? 95.4। हाईएस्ट नंबर कौन सा लिया? हिंदी मैथ में। क्या कुछ कहना चाहोगे? कहने तो मेहनत करी, मेहनत का फल मिला, मैं तो खुश हूँ अपने नंबर से। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.